رحم الله من قرأ الفاتحة حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل على محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأعوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق صلوات على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة صلوات فرد محمد وعلى معزز سامعین اکرام جس نورانی کلمات کو ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے ہمارے اور آپ کے زمانے کے مالک صاحب رہنما حضرت عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں بات پڑھنا محمد و آل محمد کہ ہمارے لیے رسول اللہ کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. یہ امام کا فرمان ایک توقی میں بہت ساری باتیں امام نے کسی اشکال یا اعتراض کے جواب میں لکھا تھا تو اس کے جواب میں مولا نے اس اعتراض کے جواب میں لکھا کچھ باتیں جس میں شیعوں کی ہدایات گمراہیوں سے بچنے کے لیے دعا ان کا انجام عاقبت بخیر ہونے کے لیے دعا ایمان محکم کے لیے دعا اور آخر میں یہ جملہ بھی ہے کہ اور میرے لیے پیغمبر کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے.
इसमें बहुत सारी बातें हैं कि किस जहत से और किस जाविये से शहजादिये दो आलम इमाम असर के लिए उसवे हसना है। उन सारी गुफ्तगु या अक्वाल को तो नहीं बयान किया जा सकता, लेकिन हाँ उनमें जो नुमाया या अहम बातें हैं वो बयान की जाएंगी। अभी उस गुफ्तगु से पहले यहाँ ये बात बयान कर देना तमहीद के तौर पर जरूरी है कि उसवा यानी आइडियल नमूना, किसी के नक्शे कदम कोई आइडियल अपना, ये क्या जरूरी है? इमाम वक्त की जिसको जो हमारे हमारा मालिक है, हमारा साहिब है, हमारा जिम्मेदार है, जो हमारी रहनुमाई करता है, वो अपने लिए ये बयान कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैटर आसान नहीं है, मसला आसान नहीं है। यहां यानी इमाम असर की इस गुफ्तगू या इमाम असर के इस जुमले के जरिए इस बात की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान को एक आइडियल और उसवे की जरूरत है। क्यों? इंसान फितरी तौर पर, हम आपको दुनिया का हर आदमी जो इस शक्ल शबाहत में है इस दुनिया में, जाती तौर पर फितरी तौर पर वो क्या चाहता है? बुलंदियों को पाना, कमाल का मुतकाजी है, कमाल तलब है, कमाल को पसंद करता है। इसी बुनियाद पर आप मुझसे बेहतर समझते होंगे और देखा भी होगा, बहुत से लोगों में कमाल नहीं भी होता, लेकिन अगर कुछ लोग झूठ मूठ को उसके लिए कहने लगे, वाह क्या बात है आप तो माशाल्लाह, तो भी वो खुश होने लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान फितरी तौर पर, जाती तौर पर, इन नफ्सियाती तौर पर इंसान कमाल पसंद है, यानी कमाल को दोस्त रखता है, फजीलतों को दोस्त रखता है। कमाल पसंद जब है और तो फिर कमाल को तक उसे जाना भी है। कमाल तक जाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को आपके गुजार करूं, कमाल तक जाने के लिए साहिब कमाल के हमराह होने की जरूरत है। इसलिए आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, अगर मुझे वहां से आना था और मैं इस ऐसे के हमराह हो जाता कि जिसको यहां का एड्रेस नहीं पता हो, तो मुझे कहां ले जाएगा? तो आप मुझे क्या कहेंगे? गलती किसकी है? मेरी भी है और उसकी भी है जिसने कहा कि आइए मैं पहुंचा दूं, और मेरी भी है कि मैंने क्यों नहीं उससे दरियाफ्त कर लिया कि तुम कहां के रहने वाले हो, जानते हो कि नहीं जानते, उनको फला जगह जाना है। कहने का मतलब यह है कि जिसके हमराही और जिसको जिसके साथ, जिसकी क़यादत में, जिसके निगरानी में आप या हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं, उसकी हमारी मारिफत उसकी है या नहीं है हमारे पास, ये एक अहम सवाल है। और अगर नहीं है तो फिर वो कमाल तक पहुंचा नहीं सकता। जाती तौर पर हम कैसे कमाल तक पहुंचना? कमाल तक वही पहुंचा सकता है जो साहिब कमाल हो, या वहां की बातें और वहां का रास्ता और वहां तक ले जाने की कुव्वत और सलाहियत रखता हो। ये बात तो है, और आप इसको दुनियावी जरिए देख ले, हर आदमी उसवे की जरूरत, आइडियल की जरूरत। आप दुनिया में कोई किसी का किरदार, कैरेक्टर पसंद आ गया, लाइफ स्टाइल वैसे ही बनाने के लिए खुशतर नौजवान चाहते हैं, ये स्टाइल उसका अच्छा है, ये स्टाइल उसका अच्छा है, उसी की पैरवी, उसी की इत्तबा, उसी के जैसे रहना, ये कौन है? ये वो इंसान है कि जिसने दो चार दिन, दो चार महीने, दो चार बरस तमरीन करके, मश करके, रिहर्सल करके वहां पहुंचा
अब उसकी स्टाइल और उसकी यानी बातें, उसका कैरेक्टर हमें अच्छा लगने लगा, तो हम भी उसके जैसा बनना सोचने लग गए। यही है ना, दुनिया में यही हो रहा है। जरा सा दुनियावी लिहाज से किसी ने अपने आप को ढाल सवार कर, तमरीन करके, मश करके, रिहर्सल करके वहां पहुंच गए, तो हमको उसका कैरेक्टर अच्छा लगने लगा। न सिर्फ ये कि अच्छा लगने लगा, बल्कि हम भी वैसे ही किरदार और वही कैरेक्टर पेश करने की कोशिश करने लगे उसी स्टाइल में। ये कौन है? ये दुनिया का है। ये कितने दिन, ये कश्मी है, इसने अभी सीखा है और ये अब ऐसा हो गया कि लोग इसे आइडियल बनाने लगे, आइडियल समझने लगे। लेकिन क्या ये हमारी नजात के लिए काफी है? क्या ये हमें वहां पहुंचा सकता है उन कमालात पर या उन बुलंदियों तक की जिसके लिए खुदा ने हमें खल किया है? जी नहीं, इसलिए कि उसकी रसाई वहां तक है नहीं। जो साहिब कमाल नहीं है, जिसके अंदर जाती कमाल नहीं है, वो इंसान को कमाल तक नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी बात शायद आप तक पहुंच चुकी है कि इंसान को कमाल तक जाना है, इंसान कमाल पसंद करता है, इंसान की खिलकत का मकसद भी यही है कि वो बुलंदियों तक जाए। और ये बात पता नहीं आपने सुना नहीं सुना है, बेकर में ये भी सुन लीजिए, जितनी मखलूकात दुनिया में हैं, जितनी मखलूकात, सब में बहुत जो जिस नौयत का है वो चीजें उसमें पाई जाती हैं। आप शेर को देखें, शेर में शजात पाई जा रही है, उसको हासिल करने की जरूरत नहीं। पत्थर, उसमें ये कड़कपन और पथरीला होना ये उसमें पाया ही जाएगा, इसको हासिल करने की जरूरत नहीं है। हैवान, इसमें हैवानियत होगी ही। इन सारी मखलूकात में निकाल दो तो कई मिनट लग जाए, सारी मखलूकात में जो जिस सिमटता है वो चीजें उसमें पाई जा रही हैं, बरखिलाफ इंसान के। इंसान इंसान तो है, आजा जवारे हैं, हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ है, लेकिन इंसानियत हासिल करने के लिए उसे आइडिया की जरूरत होती है। और अगर आप तो मेरे साथ नहीं हो, मिसाल मैं दे दूं, इंसानियत के खिलाफ या जिनमें इंसानियत नहीं पाई जाती वो करबला चले जाइए, दरगहरा पे चले जाइए। इंसानियत नहीं है इंसानी इंसानों में, यानी इंसान जो पैदा हुआ, पला, बढ़ा, चाहे इस उम्र के मंजिलों को तय किया, लेकिन अगर इंसानियत को कस्ब नहीं किया किसी साहिब कमाल के नक्शे कदम पर चलकर, या उसकी सीरत को अपनाकर, या उसको अपना उसवा और आइडियल बनाकर, अगर उसने इंसानियत को कस्ब नहीं किया है तो इंसान तो होगा लेकिन वो उन बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। और ये इंसानियत दुनिया के सारे, अब यही बात के बाद दुनिया के सारे डिग्री होल्डर तब डिग्री पाते हैं कि जब उसमें वक्त सर्फ करें, उसके लिए सीखे, पढ़े लिखे। एक इंजीनियर जब इंजीनियरिंग कर लेता है, डॉक्टर जब डॉक्टरेट कर लेता है, मौलवी जब कुछ हद तक पढ़ लेता है, सारे दुनिया की सारी डिग्रियां जब उसमें उस डिग्री की जो रिक्वायर्ड है वो हासिल करने के बाद इंसान डिग्री याफ्ता कहलाता है। लेकिन ये सितम करीती है इस इंसानियत की डिग्री वालों के लिए कि इंसान बनते ही वो इंसानियत का भी दावेदार हो जाता है, जबकि जितने इंसानियत तो सबसे बड़ी डिग्री है दुनिया की, इंसानियत तो सबसे बड़ा दर्जा है, सब कुछ इस इंसानियत के नीचे है। और जैसे दुनिया की सारी डिग्रियां, दर्जे, मनसब सब कुछ में शरायत और रिक्वायर्ड है, वैसे ही इंसानियत के लिए भी है। लेकिन इंसान इंसानियत की उन शरायत पाए जाए इंसानों में या न पाए जाए, इंसान कहलाने लगता है। ये इस
इस डिग्री की भी कमजोरी है, इंसानियत के लिए झूठा नहीं होना चाहिए, इंसानियत के लिए सच बोलने वाला होना चाहिए, इंसानियत के लिए धोखेबाज नहीं होना चाहिए, इंसानियत के लिए ये आप मुझसे बेहतर सब गिन सकते हैं, लेकिन झूठा है, इंसानियत का दावेदार है, मक्कार है लेकिन इंसानियत का दावेदार है, ये सारी बातें यानी इंसानों में दूसरे जानवरों दूसरी मखलूकात के बरखिलाफ इसमें इंसानियत को कसब करने के लिए उसवा होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए। अब इसकी अहमियत यूं समझिए, उसवे की अहमियत इतनी है कि इमाम वक्त की जो हमारा मालिक है, साहब है, इमाम है, जमाने का जिम्मेदार है, वो कह रहा है मेरे लिए पैगंबर की बेटी उसवा हसना है। ए अजीजो, दुनिया के सारे लोग चंद दिनों की मशक्कत मेहनत या तमरीन मश्क रिहर्सल करके अगर किसी मंसब पर पहुंच गए, वो दुनिया के दुनिया परस्त इंसानों के लिए आइडियल और नमूना बन जाते हैं, लेकिन उनका क्या कहिए कि जिनके कसीदे कुरान ने पढ़े, जिनके कसीदे रसूलों ने पढ़े, जिनकी सनद कुरान ने दी, जिनकी इसमत की गवाही कुरान ने दी, उसको उसवा हसना बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और वो कौन है? इमाम वक्त ने कहा कि मेरे लिए उसवा हसना है पैगंबर की बेटी। जब इमाम वक्त के लिए उसवा हसना है तो हम तो बदरजे औलाद उसवे के मोहताज है। सलावात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये इमाम ने फरमाया कि मेरे लिए पैगंबर की बेटी उसवा हसना है। कौन सी बेटी? जिनके लिए खुद पैगंबर ने फरमाया फातिमा अहब्बुल खल्क इलैया। फातिमा दुनिया की सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा मेरे लिए जो मोहब्बत का यानी मकाम रखती है फातिमा है। अहब्बुल यानी अज्जुल नास अलैया, मेरे लिए साहिब अजीज है फातिमा, जिनके दर पर पैगंबर जाते हैं सलामी करते हैं, जिनके लिए इस्तकबाल के लिए उठते हैं। आपने सुना है पैगंबर का हर अमल, खुसूसन आज के जमाने में, पहले इसको थोड़ी सी तमीज बना के बताऊं कि आज जमाने में आज के जबान चलाना बहुत आसान है, खुसूसन अगर किसी पर तनकीद करना हो, किसी पर एतराज करना हो तो और आसान हो जाता है। और इसी बुनियाद पर हमारी शरीयत ने बहुत हुदूद कायम किए हैं जबान के ऊपर कि वो पहले बोलो फिर बोलो, क्या कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो, किसकी गीबत, ये वो बहुत सारे इसके हुदूद बयान किए हैं, लेकिन फिर भी सबसे आसान काम जबान चलाना है। कुरान अल्लाह पूरी दुनिया में अगर किसी की जबान की गारंटी लिया है तो वो कौन है? कायनात का रसूल। क्या कहके कि ये उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक वो ही ना हो जाए यानी हमारा हुक्म ना आ जाए। ये पैगंबर की जात के लिए यानी कायनात में वाहिद मुतकल्लिम बोलने वाला ये रसूलों का सरदार खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद इनकी जबान की गारंटी खुदा ने लिया है कि ये तब तक कलाम नहीं करते। अच्छा, बोलना मैंने कहा आसान है बनिस्बत दूसरे कामों, जबान चलाना आसान है। जिसकी जबान की गारंटी खुदा ले ले कि ये कलाम नहीं करता जब तक कि मेरा हुक्म न हो जाए तो उसके अमल बदर जाए होला। भाई जबान चलाना आसान है, हर कस नाकस के मुंह में जबान है, जब चाहा बोल दिए, कोई रुकावट नहीं है। बनिस्बत काम इसीलिए कहा जाता है बोलना आसान करके दिखाओ, यानी करना सख्त है। लेकिन पैगंबर एक जात के लिए न सिर्फ ये कि बोल रहा है बल्कि करके दिखा रहा है। पैगंबर फातिमा जब भी आकर, ये अपने हाथ की रवायतें नहीं है, अपने हाथ तो है ही है,
दूसरों के यहां भी एक रिवायत पाई जा रही है कि जब भी शहजादियों दो आलम आती थी पैगंबर खड़े हो जाते थे और न सिर्फ कि खड़े हो जाते थे कामा इलैहा यानी उसकी तरफ बढ़ते थे, हाथों का बोसा लेते थे, जहां बैठते थे वहां बिठाते थे। इसका मतलब क्या है? यानी बोलना सिर्फ नहीं है बल्कि करके दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बोलता भी है खुदा की मर्जी से, सिर्फ काम उसका बदल दिया होना खुदा की मर्जी से। यानी वो जात की जिसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह का खास नबी जिसकी बातों की गारंटी खुदा ने ली है तो उसके अमल की गारंटी भी खुदा ने ली है। यानी जो बोलता तक नहीं है जब तक मर्जी खुदा या हुक्म खुदा न हो जाए तो उसका अमल तो बदल गया होगा उसके हुक्म के मुताबिक। तो आप ये जो पैगंबर उठकर इस्तकबाल कर रहे हैं या पैगंबर हाथों का बोसा ले रहे हैं या पैगंबर उन्हें अपनी जगह पर बिठा रहे हैं, ये पैगंबर का अमल नहीं, इसमें मर्जी माबूद शामिल है। ए अजीजो, जब वो ऐसी हस्ती है कि जिसके इस्तकबाल के लिए कायनात का रसूल खड़ा होता है तो वो इमाम असर के लिए उसवे हसना है, हमारे लिए तो बदर जे औला उसवे हसना होगी। सलावत पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, आला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दरमियान, देखे बातें फजीलतें आप सुन रहे हैं माशाल्लाह से, ये अय्याम अय्यामुल्लाह है। अय्यामुल्लाह यानी जिन अय्याम में खुदा की कुव्वत का इजहार हो, खुदा की कुव्वत जाहिर हो, वो अय्यामुल्लाह अय्यामुल्लाह है। और अय्यामुल्लाह का तज़किरा करना कुरान की सुन्नत है। जिन भी अय्याम में, ये अय्याम फातिमिया अल्हम्दुलिल्लाह अब इस शक्ति में जो हमारे दरमियान राइज है और मनाई जा रही है, इनमें शहजादी का तज़किरा, शहजादी की मज़लूमी, शहजादी की सीरत सारी आप सुन रहे हैं। ये जो उनवान कलाम में मैंने हदीस शरीफा मौला यानी इमाम असर के दैन अकदस से या लिखे हुए वो जुमले मैंने बयान किए हैं कि शहजादी उसवा है, यानी इंसान के लिए उसवा है शहजादी की जात इमाम असर के लिए, तो सबके लिए भी है। अब कुछ लोग हमारे दरमियान भी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद आले मोहम्मद। कुछ लोग हमारे क्या कि वो आला शख्सियात हैं, मुकद्दस मुताहर, कहां उनका अमल और हम कैसे कर सकते हैं? ये यानी अवाम उन्नास में इस तरह की बातें दूसरे और कुछ लोग आगे अवाम से बढ़ के खवा तक, अच्छा इसी बुनियाद पर बहुत सारे मजाहिब और बहुत यानी खवास अफराद तक ये बातें पहुंच चुकी कि इनका कैरेक्टर हद सिलेबस से निकाल दे, मदर टेरेसा वगैरह की निकाल देते हैं लोग। क्यों? कि इनका तकद्दस और इनकी पाकिजगी और इनका हरफा वाला होना, ये हम लोग इनकी सीरत पर नहीं कर सकते। और तीसरा ये कि जब सही बात समझ में नहीं आती तो उसके मुकाबले में एक गलत तस्वीर बना ली जाती है, एक गलत यानी हकीकत नहीं, और ये हकीकत यानी उस माना में नहीं है कि अहले बैत या सीरत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत और उनकी हकीकत को हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, लेकिन सीरत को समझी जा सकती है, उस पर चलना हमारे लिए असल मुहिब होने की दलील है। पहली काम यह कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, दूसरी बात यह कि वहां खवास तक बात मिसालों में दूसरे लोगों की मिसालें कि जिनका कैरेक्टर कहीं किसी लायक नहीं है इनके मुकाबले में, तीसरी बात एक अलग खाका बना लिया गया, क्या ये सही है? यानी इन्हीं बातों अगर मैं अपनी बातों को अगर इनकी शख्सियात और इनकी सीरत हमारे लिए काबिले तासी या काबिले अमल नहीं है, कुरान कह रहा है वलकद काना लकुम फी रसूलुल्लाह उसवतुन हसना,
آج کے لیے آج تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے, رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ, قرآن کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ ہے. کیوں؟ یہ صرف لفظوں کی قید میں مقید رہنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ آئے ہیں اس پیکر میں تاکہ ہماری ہدایت کرے. اور ہم اگر یہ سمجھتے رہ گئے کہ یہ ان کا مقام بلند اور یقیناً ہے, ان کا مقام ان کی طہارت ان کی پاکیزگی یقیناً ہے, لیکن جو ان کی سیرتیں ہیں ان کا کیریکٹر ہے ان کا کردار ہے وہ ہمارے لیے قابل تعصی ہے اگر ہم اس پر نہ چلیں. آپ نے یقیناً تعریفیں فضیلتیں ان کا مرتبہ رتبہ ان کی بلندی ان کا کمال سب سنا ہے اور حقیقت ہے, ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے. یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا, انہی کے وجود کی وجہ سے زمانہ باقی ہے, انہی کی وجود کی برکت کی وجہ سے ان کے محدود کی حفاظت ہو سب ایک. اگر کوئی اسکول آپ دیکھیں کہ مدیر بڑا اچھا ہے, ڈسپلن بہت ہے, فیسلٹی بہت ہے, پڑھائی اچھی ہے, ٹیچر سب اچھے ہیں, سلیبس بہت اچھا ہے, کورس بہت اچھا ہے, پڑھایا بھی اچھا جاتا ہے, سب کچھ آپ گنتے جائے ایک فہرست بنا لیں اور بنانے کے بعد اس کی تعریف کے پل واضح رہے تو کیا آپ کا بچہ پڑھ لے گا؟ کب پڑھے گا؟ جب بچے کا ایڈمیشن اس میں ہو جائے تب. اور جو پڑھایا جائے اس کو پڑھے, اور جو ہوم ورک دیا جائے اس کو کر کے دے, یعنی سارا کام کی جو وہاں سے ملے اس کو کر کے انہیں پھر دکھائے, اور جو بتایا جائے اس کو یاد کرے, اس کو یاد کر کے انہیں سنائے, تب جا کے ان میں علمی صلاحیتیں یا وہ جو چاہتے وہ ہوگا. اہل بیت کی ذات, اہل بیت کا کیریکٹر, اہل بیت کی حقیقت کہ کائنات کی خلقت بھی انہی کے وجود کی وجہ سے انہی کے سبب کائنات خلق کی گئی, ان کا تقدس ان کی پاکیزگی ان کا رتبہ ان کا مقام ان کا منصب یہ کوئی اس حقیقت تک نہیں جا سکتا. لیکن اگر ہم یہی مان مان کر یہی سن سن کر ہم خوش ہوتے رہے تو ہمارے اندر کیا ہوگا؟ کوئی تبدیلی؟ تبدیلی تب آئے گی جب ان کی ذات کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دے. چاہے کسی بنیاد پر زمانے کا امام کہہ رہا ہے معمولی شخصیت نہیں ہے اسوہ حسنہ میرے لیے پیغمبر کی بیٹی ہے. اے عزیزو, سارے کیریکٹر اور کردار اور فضیلت اور مرتبے اور رتبے کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ ان کا رتبہ تو ہے ہی, ہمارا رتبہ کب بڑھے گا؟ جب ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تب دیکھنے والا کہے گا یہ محبان اہل بیت ہے یا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. صلوات پر دو محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل. تو یہ شہزادی کی سیرت ساتھ ساتھ فضیلتوں کو فضائل مطائف ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت ان کے نقش قدم پر ان کے بتائے ہوئے فرامین کو ان کے بتائے ہوئے نواحی پر عمل کرنا یہ ہمیشہ اس کی ضرورت ہے, تب جا کے انسان کی زندگی سنور سکتی ہے. اور انسان جن کمال کے لیے جس بلندیوں پر پہنچنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. لیکن وہی ہے, سب کو ضرورت ہے, تیسری بات ہے, سب کو ضرورت اسوہ کی ہے. انسان جاہل پیدا ہوا, انسان کو جانتا نہیں. بچوں کو آپ دیکھ لیں, سب کچھ خدا نے ساری نعمتیں دے کر خلق کیا ہے, لیکن بولنا کیسے بولنے لگا؟ آپ کا بچہ میری طرح نہیں بولے گا, میرا بچہ آپ کی طرح نہیں بولے گا. کیوں؟ جو اس کے ماں باپ نے جیسا بولا جیسا کیریکٹر پیش کیا ویسے ہی وہ بولتا ہے, وہی کیریکٹر وہی ادائیں ہاں وہی عادتیں سب کچھ وہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا وہی ہے,
यानी फितरतन जाती तौर पर उसको एक आइडिया चाहिए था। उसने जब से आंख खोला, माँ बाप उसके सामने, उसके भाई बहन उसके सामने, दूसरा और तीसरा कोई नहीं है। इसका मतलब है कोरा कागज था, उस कागज पर वही इबारतें लिखी गई जो घर में बोली जाती थी और जो घर में लिखी जाती थी। अजीजाने गिरामी, इसका मतलब यही है कि उस सुबह की जरूरत सबको है, आइडियल और नमूने की जरूरत सबको है। अब हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम ऐसे घराने में हैं, और दीगर लोगों की बदनसीबी है कि ऐसे कैरेक्टर और किरदार को होते हुए ऐसे को अपना आइडियल और रहनुमा बनाते हैं कि जिन्हें खुद एक आइडियल की जरूरत है, जो खुद गुमराहियों की तरफ जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि एक दिन के घर में बेहतरीन एमडी डॉक्टर हो तो वो फिर झोला छाप के घर नहीं जाया करता दवा लेने के लिए। क्यों? इसलिए कि उसके घर उससे बेहतर कहीं मौजूद है। यही बात है दुनिया में। जब खुदावंद आलम की तरफ से कुछ ऐसे उस्वा, कुछ ऐसे आइडियल और नमूने आए हैं, तो उनको छोड़कर दूसरों के घर पर जाना उसी तरह है जैसे एमडी डॉक्टर को छोड़कर झोला छाप के घर जाना है। सलावात पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये फैसला हमें करना है, ये इंतखाब हमें करना है कि किसको मुंतखब करें, वो कि जो मुसल्ले इबादत पर आता है तो वहां मलक खुश होते हैं, आसमान नूरानी हो जाता है। वो जब इबादत और दुआओं की मंजिल में आता है, देखने वाला बेटा वो देखता रहता है, और शब जुमा पूरी रात गुजर गई, सुबह कहता है मादरे गिरामी आपने तो अपने लिए कुछ दुआ ही नहीं की, तो मादरे गिरामी का क्या रुतबा है जो ये कह दे कि अलजार सुन्नतदार पहले पड़ोसी फिर घर वाला उसकी तासी में चल रहा है, या उन लोगों की तासी में कि जिनको खुद हिदायत की जरूरत है। मैं मिंबर माने हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इनके मुकाबले में लोगों ने किनको अपना आइडियल और अपना नमूना समझा है। ए अजीजो, वो कि जिसके शौहरदारी, जिसकी बच्चों की तरबियत, जिसकी इबादत, जिसकी सकावत, जिसकी सजावट, जिसका किरदार, जिसके अखबार, जिसकी गुफ्तार निराली हो, कि मलाइका भी रश करे, खुदा भी फख्र करे, अंबिया रहमुस्सलाम भी फख्र करे, अइम्मा रहमुस्सलाम भी। चौथे इमाम ने कहा मिल्लत सैयदत निसाइल आलमीन, इमाम हुसैन ने कहा उसी दास के लिए दुआए अरफा में अना इब्नु फातिमा, मैं फातिमा का बेटा हूँ। मौलाए कायनात ने माविया को लानतुल्लाह अलैह को खत लिखे था ओलियल फख्र फातिमा, मेरे लिए फातिमा की जात फख्र का मकाम रखती, मकाम फख्र में फातिमा है। जिस पर दुनिया फख्र नाज करे वो नाज करता है तो फातिमा जहरा की जात के ऊपर है। तो ऐसी शहजादी को अपनी जात के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने किरदार के लिए संवारने के लिए आइडियल और उस्वा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सलावात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद ईमान सादगी क्या कहना जनाब सलमान की, जो या रसूल अल्लाह कुछ खबर गिरी लीजिए, जनाब फातिमा जहरा के घर बोसीदा चटाई है और 3 दिन हो गया खाना नहीं खाए। क्या कहा? आम इंसान नहीं है ये, वहां की मखलूक है। मैंने कहा इनको यहां आने की जरूरत नहीं थी, इनको यहां क्यों आए? हमारी हिदायत के लिए। हम अगर कह देंगे इनकी सीरत तो आला मकाम, खुदा ने इन्हें ऐसी कुव्वत दी जिन कुव्वतों की बुनियाद पर इन्होंने ऐसा कैरेक्टर पेश कर दिया जो कुव्वत हमारे पास नहीं, ये अजीजो इनको तब आने की जरूरत नहीं। ये मेरी मखलूक है, इस परिसर में यहां आए हमारे लिए, और हम ये करते तो फिर फायदा ही क्या हुआ? इतनी मुसीबतें, इतनी दुश्वारियां, इतनी मशक्कतें, इतनी सख्तियां, इतने और एक नहीं
एक के बाद भी अगर ये मेयार होता और ये मंजिल होती तो दूसरा ना आता। एक को गर्भत लग गई थी, काफी था। हाँ, पैगंबर चले गए, काफी था। दरवाजा जला के पहलुओं को गिरा दिया गया, काफी था। लेकिन एक नहीं, आते रहे। क्यों? इन हमारी गुमराही को देखने के लिए, कि हम हिदायत पा जाए, गुमराह न होने पाए। और अगर हम ये कहते कि इनकी सीरत पर हम कहां चलते हैं, हम कहां चल सकते। खुदा ने इन्हें ताकत और कुव्वत दी थी, अलग थी। जिन कुव्वतों की बुनियाद पर इन्होंने ये कैरेक्टर पेश किया, हम कहां जा सकते हैं? तो फिर पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा निजाम दरहम दरहम हो जाएगा। जिनकी वजह से इतनी शक्तियां बर्दाश्त किया हो गए थे कराम ने, उन सारी शक्तियों पर हम पानी फेर देंगे अगर हम ये कह दें कि इनकी सीरत पर हम कहां चल सकते हैं। लिहाजा ये उसवा है, इनका कैरेक्टर सादगी। मौला पैगंबर ने क्या फरमाया, जब कहा तीन दिन हो गया खाना नहीं खाया है, क्या फरमाया? कि अल्लाह ने यमलअल्लाह कल्बहा व जवारिहा, किस चीज से? ईमानन व यकीना। जब फातिमा यानी फात मेरी बेटी फातिमा के कल्ब को, उसके आदव जवारों को खुदामंद आलम ने ईमान और यकीन से इतना मुजयन कर दिया है कि दुनिया की भूख और प्यास की का एहसास नहीं है। चटाई नहीं है, बिस्तर ऐसा है जो किसी जानवर के चमड़े का है, ओढ़ना भी ऐसा है कि जिसके ऊपर जो चमड़े का है पेवन लगे हुए हैं, खजूर के दरख्त का है, ऐसी सादा लोही। और यही नहीं, जनाबे जहरा सलामुल्लाह अलैहा के कौन से कैरेक्टर को जाहिर है, ये इन एक घंटे या दो घंटे में बयान किया जा सकता है। इसीलिए मैं सारे रेफरेंस और मिन आन की वजह से नहीं, बस चार चार खुलासे के तौर पर बयान कर रहा हूँ। शेख जनाबे सलमान ने कहा, मौला ने पहले कहा तीन दिन, शेख मौला आए आके कहने लगे शहजादी कुछ खाना लाओ, याम बीवी नहीं है, शौहरदारी का मिराज देखिए। कहते हैं कि जनाब जहरा लरजने लगी। क्यों? तीन दिन हो गया था, कुछ शहजादी भूखी थी। मौला ने कहा खाना तो है थोड़ा, और बच्चों के लिए तीन दिन हो गए, अबुल हसन मैंने नहीं खाना खाया है, ये शहजादी मुझसे क्यों नहीं बयान किया आपने? मौला शहजादी ने कहा कि मुझे मेरे बाबा की बात याद आती है कि अली सुबह उन चीजों की फरमाइश न करना। ये शौहरदारी का ये मकाम है, तरबियत में बच्चे जाते हैं, जब मस्जिद से आते हैं पूछा जाता है क्या कहा नाना ने, क्या कहा बाबा ने, मस्जिद में कौन सा खुतबा सुना। ये तरबियत है, ये कैरेक्टर है जनाबे शहजादी जो आलम का। इसी बुनियाद पर तो जमाने का इमाम कहता है कि मेरे लिए उसे रखना है। और ये कैरेक्टर तो आम है, कुछ खास बातें हैं जिनकी बुनियाद पर जो उलमा ने लिखा है कि क्यों इमाम वक्त ने कहा है कि मेरे लिए फातिमा रसूल अल्लाह की बेटी उसमें हकना है। उसके खास रीजन में ये कि जिस तरह से फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी जालिम हुक्मरानों के तहते नजारत या तहते तसल्लुत में नहीं आई या उनके हुकूमत में नहीं आई, उसी तरीके से मैं भी जो इमाम वक्त है, परपे गैब है, वो कहता है जिस तरह से मेरी जद्दा किसी जालिम हुक्मरान के नजर हुकूमत में, उनकी ताबीयत में, उनकी बैत में जिंदगी नहीं गुजारी, उसी तरीके से मैं भी, क्योंकि मेरे लिए वो आइडियल है, मेरे लिए उसवा है। ये एक बात। दूसरी बात, जो मेन जिस दावी और जिस मैदान में उसवा है, उलमा लिखते हैं कि चूंकि जवाब दिया था ये तौकीन कि मेरे लिए उसवा हकना, जो एतराज था कुछ लोग नहीं कायल थे इमाम की इमामत के, चूंकि पांच बरस में आप गैबत के पर्दे में चले गए, कुछ लोग कायल नहीं थे, ज्यादा एतराज किया। मौला ने जवाब में लिखा था तो काश मैं उन अख्तियारात या उन इजहारात के जरिए इसका इस बात कर सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मेरे लिए रसूल अल्लाह की बेटी उसवा हसना है। क्या मतलब मौला? कहा जिस तरीके से मेरी जद्दा ने अपने जमाने के वालिये वारिस इमाम वक्त हाकिम
کی ولایت اور امامت کے اس بات کے لیے غیر عادی یعنی اعجاز وغیرہ سے کام نہیں لیا, میں بھی وہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے اسوہ حسنہ وہ ہے, میرے لیے آئیڈیل وہ. اگر وہ امام علی علیہ السلام کی جو شہزادی دو عالم کے حاکم اور ولی تھے ان کی ولایت اور امامت کی حفاظت میں اگر میری جدہ نے غیر عادی طریقہ یعنی اعجاز یا کوئی اور اختیارات دکھایا ہوتا تو میں بھی وہ دکھاتا, لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے لیے اسوہ حسنہ یہ ہے, میرے لیے آئیڈیل یہ ہے. اگر میں انہوں نے کیا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا, یہ امام وقت کہہ رہا ہے. لہذا ہم کو بھی تاسی امام وقت کی کرتے ہوئے شہزادی دو عالم کی زندگی کو اپنی زندگی اپنی حیات میں لانا چاہیے. اگر چاہتے ہیں کہ ہم کمال پر پہنچ جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کے اس بلندی پر پہنچ جائیں جہاں خدا ہمیں پہنچانے کے لیے خلق کیا ہے. عزیزو یہ ذات ہیں, یہ آئیڈیل ہیں, اور سخاوت حجاب کیسا کیسا سارے واقعات آپ نے سنا ہے. شوہرداری تک ہی بات کو روکتا ہوں. ایک دن مولا آئے, بہت مشہور واقعہ ہے. کیا وہ شہزادی کچھ طبیعت خراب لگ رہی ہے, کچھ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. نہیں کچھ نہیں. بہت جب اصرار بڑھا تو کیا مانگا, کیا کہا, انار کھانے کی طبیعت کہہ رہی ہے. اصرار کرنے پر فرمائش ہوئی ہے. وہ بھی پہلے یہ کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا. جب مولا نے کہا تم کو علی کی قسم علی کے حق کا واسطہ تو کہہ دیا. جب کہہ دیا, انار کا سیزن بھی نہیں ہے, لیکن اب شہزادی نے کہا ہے علی اور پہلی فرمائش ہے تو کیا کریں. گھر سے نکلے, بازار کی طرف گئے, پوچھا لوگوں کا, مولا اس وقت انار کا سیزن نہیں ہے, موسم نہیں ہے, کہاں ملے گا یہ پھل. لیکن کسی نے کہا وہ شمیون یہودی بہت بڑا ڈیلر ہے پھلوں کا, اس کے یہاں ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا. مولا گئے اس کے گھر پر, دکل بات کیا, مغرب کا وقت ہے. اس نے کہا ارے علی اس وقت کہاں, کہا سنا تمہارے انار ہے. کہا نہیں لایا تو تھا, ختم ہو گیا. اتنا سننا تھا مولا نے علم امامت سے, کہا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں ختم ہو گیا. مولا نے کہا نہیں ہے. اتنے میں بیوی اس کی سن رہی تھی, کہا کہاں ایک انار میں نے چھپا کے رکھا تھا. میں نے مولا نے کہا دیکھا میں کہہ رہا تھا ہے انار لیا, نصف درہم قیمت تھی, مولا نے چار درہم دیے. یہودی تعجب میں, علی اس کی قیمت اتنی نہیں, کہا تیری زوجہ نے اسی غرض سے چھپایا تھا کہ قیمت زیادہ ملے, جا یہ نصف درہم تیرے لیے اور باقی تیری زوجہ کے لیے. مولا علم امامت سے جانتے ہیں دلوں کے راز کو. ایسے آئیڈیل جب لے کے چلے راستے میں کیا دیکھا, ایک طرف سے ایک نحیف سی آواز کراہنے کی آ رہی ہے. مولا نے ہماری طرح نہیں ہے کہ اپنے گھر کا کام اپنا ذاتی کام, امت کے امام ہیں, امت کے والی وارث ہیں, کہاں کیا ہو رہا ہے, کیوں کرا رہا ہے مولا, آگے بڑھے, کیا ہوا خیریت. ایک ضعیف انسان کہتا ہے طبیعت ناصاب ہے, کیا کچھ کوئی حاجت ہو تو کہو. اب وہی مجھے انار کھانے کا دل کہہ رہا ہے, میرا انار کھانے کا دل ہو رہا ہے. جو اب کیا کریں, ادھر شہزادی سے کہہ کے آئے ہیں, ادھر یہ بھی مانگ رہا ہے, یہ امتحان ہے. اہل بیت کچھ نہیں ہے, اہل بیت غریب نہیں ہے, مجبور نہیں, دے کر نادار ہوئے ہیں. جو ملتا تھا, میں ساری بات نہیں, جنگ خیبر جو فاتح خیبر وہاں سے جب چلا ہے, جو بہت سے مدینے کے ایسے گھر سے کئی دنوں سے پاکے ہو رہے تھے, لیکن جب وہاں سے مال غنیمت ملا ہے تو مالدار ہو گئے. اب یہ تو مین کیریکٹر علی علیہ السلام کا تھا, ان کو تو اور مال ملا ہوگا, لیکن گھر پہنچتے پہنچتے زوجہ نے یہ کہا کہ ابھی بابا آئیں گے تو لے کر آئیں گے, چولہا جلے گا, کھانے کا انتظام ہوگا. لیکن جب مولا آئے
آئے فاطمہ زہرا نے پوچھا علی کچھ لائے نہیں آ ملا تو تھا لیکن تقسیم کر دیا غریبوں میں جناب زہرا عام جیسی خاتون ہوتی تو کہتی اپنے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کو بانٹنے کی پڑی ہے لیکن نہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سجدہ شکر میں گر گئی مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی جیسا شوہر ملا عزیزو وہ ہے اہل بیت کی بات جن کو جو ہمارے لیے اسوہ حسنا جن کی سیرت ہمارے لیے قابل تحسین انار آدھا کھلا دیا چلو آدھے میں سودادی کو دے دیں گے آدھا تم کھا لو لیکن اس نے آدھا کھایا تو کہتا ہے آدھا اور مل جاتا تو طبیعت بحال ہو جاتی اب کیا کرے یہ امتحان ہے اہل بیت کا یہ امتحان ہے امہ اکرام کا وہ بھی کھلا دیا کہ یہ تو رعایا گھر والے جو نہیں مل رہا ہے یہ خوش ہو جائے کھلا دیا اب آپ انصاف کو بتائیے یہ کائنات کا والی و وارث جن سے زوجہ نے پہلی بار کوئی فرمائش کی ہو کس طرح سے گھر جائے لیکن ہاں ہمت جٹاتے ہوئے جب گھر پہنچے دفتر باز کیا کیا دیکھا سرہانے تشت میں انار رکھا ہوا ہے دل خوش ہوا اندر ارے یہ کیسے انار کافی نے تو بھیجا تھا کچھ بات سمجھ میں آئی سیرت معصومین اور ائمہ کیا ہے راہ خدا میں اس نہیں تو لاغر و بیمار کو ایک انار کھلایا تھا یہ انار خدا کی طرف سے آئے وہ ایک تھا یہ کئی تھے خدا کی راہ میں اگر خیرات کی جائے تو پھر سمجھ لیجئے خدا کئی گنا اور اس سے بہتر دیتا ہے پوچھا آپ نے تو بھیجا تھا جب دخل باب ہوا پزا گئی انہوں نے دروازہ کھولا تخت میں انار لیے کوئی کھڑا تھا کہہ رہا تھا علی نے بھیجا ہے اے عزیزو جب ہم سے بچ جائے تب دینا اور ہے جب ہمیں ضرورت ہو تب خیرات کرنا اور ہے یہ کردار و کیریکٹر اہل بیت علیہ السلام کا ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے صلوات پر محمد و آل محمد پر صلى على محمد وآل محمد يا علي اس شہزادی کی جن کے لیے استقبال کو کھڑے ہوتے تھے نماز کے وقت جب بھی آنا جانا السلام علیکہ بنت رسول اللہ السلام علیکہ آل بیت النبوہ اتنا رتبہ اتنا مرتبہ لیکن بس میرا وقت تمام ہوا لیکن آخری ایام میں کیا ہوا شہزادی کے ساتھ پیغمبر کے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں غشی کا دورانیہ بڑھنے لگا شہزادی تیمارداری کے لیے قریب ہیں بابا کے اور غش پہ غش آ رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے دقل باز کیا شہزادی نے پوچھا کون میرا بابا بیمار ہے اور ابھی استراحت کر آرام فرما رہے ہیں لہذا ابھی ملنے کا وقت نہیں ہے بعد میں آ کے ملاقات کر لینا وہ آنے والا تھوڑی دیر رک گیا اس کے بعد پھر دقل باز ہوا پہلے کی نسبت اب ذرا ضرب تیز تھی پھر شہزادی نے وہی جواب دیا کہ بابا آرام کر رہے ہیں حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں بابا کی حالت لہذا بعد میں ملاقات کر لینا ابھی ملنے کا وقت نہیں ہے پھر آنے والا تھوڑی دیر رک گیا اس کے بعد تھوڑی زور سے یعنی اب تک کی جو ضربیں تھیں اس سے زیادہ تیز ضرب لگائی کہ شہزادی کا دل لرز گیا لرز گیا اور آنکھ سے اشک جاری ہوا پیغمبر کے رخسار مبارک پر آنسو کا گرنا تھا پیغمبر نے آنکھیں کھول دی کیا ہوا بیٹا تو تم زندہ ہو یہ آنکھ میں آنسو کیسا شہزادی نے واقعہ ماجرا بتایا کہ بابا کوئی ہے در پر جو بکل بات کر رہا ہے ایک بار دو بار تیسری بار اتنی اتنی زور سے
दखल बात किया, गर्व लगाई कि मेरा दिल कांप उठा, लरज गया, बेसाख्ता आंखों से अश्क जारी हो गया। पैगंबर ने कहा बेटा ये वो है कि जिसको किसी दर पर जाने के लिए इजाजत और इज्जत नहीं लेना पड़ती, ये मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता है। मैं कहूँगा शहजादी आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मलकुल मौत मौत का फरिश्ता है, दक्कुल बात कर रहा है, अंदाज जरा सख्त हो गया। शहजादी लरज गई, आंसू जारी हो गया। हाँ कितनी भी जोर से दक्कुल बाब हुआ होगा लेकिन उन जालिमों की तरह तो नहीं, अरे कि जिन्होंने खदर में आग लगाई उसके बाद पैरों से इतनी जोर से धक्का, अरे शहजादी जब इस दक्कुल बाब से लड़न गई थी क्या आलम हुआ होगा शहजादी का। मेरे को मदद लाओ, खुदा हमको किसी गम में बुलाए सिवाय गमे इमाम मजलूम के, सिवाय गमे अहले बैत तहार के। अजीजों सुनिएगा, कायनात में दो बेटियां ऐसी हैं जो अपने बाबा से बेपना मोहब्बत करती, एक दादी है और एक पोती है, एक मदीने में एक करबला में, दोनों के साथ बहुत से इश्तराकात हुए, बहुत से कॉमन अमल हुए हैं, ये भी अपने बाप की जुदाई नहीं बर्दाश्त, वो भी अपने बाप की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकी। ऐसी लेकिन शहजादी को उनके बाबा के जाने के बाद दरवाजे घर पर हमला हुआ, दरवाजे में आग लगाई गई और दरवाजा पहलुओं पर गिराया गया। ए अजीजो पहलुओं के पसलियां टूटी, तमाचे लगाए गए, रुखसार पर नील पड़े, बाजुए नील पड़े, लेकिन 75 दिन या 95 दिन बादल जर्व जिंदा रही बाप की जुदाई के बाद, या यूं कहो शहजादी ने जर्व के बाद कम से कम अपने जख्मों पर हाथ फेरने का मौका मिला। लेकिन करबला की वो 4 बरस की लाजली बाबा की जुदाई के बाद जख्म जरा सा जब बढ़ने लगते थे, फिर जालिम दादी आगे जख्म बिरारे जाते थे। और शहजादी ने अपने बाबा या अपने ऊपर जुल्म करने वालों को कभी अरे रुख न किया, लेकिन वो 4 बरस की बच्ची कभी बाबा का कातिल, कभी तलाशे लगाने वाला, कभी गोशवारे छीनने वाले, अरे कभी दामन में आग लगाने مختصر سے عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سیرت اہل بیت، سیرت ائمہ، سیرت شہزادی دو عالم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دشمنان حضرت زہرہ سے براءت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اکرام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ امام حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔